हे गाइज़, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, 2019 सितंबर अक्टूबर में एक रिक्रूटमेंट आई थी आईआईटी आईएसएम धनबाद की जूनियर असिस्टेंट और डिप्टी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। तो उसका जो एग्ज़ाम जब होना था उसी टाइम कोविड-19 का सिचुएशन जो पूरे कंट्री में अराइज़ हुआ और उसके बाद लॉकडाउन कर दिया गया पूरे देश को, और अभी तक जो है वो लॉकडाउन चल रहा है। तो उसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक हो सकता है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कब तक संभावना है कि जो एग्ज़ाम है आईआईटी आईएसएम धनबाद का वो हो सकता है। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कुछ कारण मैं आपको बताऊँगा और कुछ आपको फैक्ट्स में बताऊँगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो एग्ज़ाम है वो एक्चुअली में हो कब सकता है, ठीक है। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन 5.0 का अनाउंसमेंट हुआ था 31 मई को, और उसके बाद जो है आपको एक सरकार ने ये भी बोला था कि ये लॉकडाउन 5.0 नहीं, एक तरह से अनलॉक 1 है और तीन फेजेस में है देशेस खुलने वाले हैं। जो सारे देश में लॉकडाउन चल रहा है वो तीन फेज में खोल दिए जाएंगे, ठीक है। पहले फेज़ में कुछ छूट जगहों पर और कुछ चीज़ों पर पाबंदियां जो लगी हैं उसको हटा दी जाएंगी। उसके बाद सेकेंड फेज़ में स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन वगैरह सब खोले जाएंगे। तो फेज़ वन जो है, ठीक है, ये जो नोटिस है वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से पब्लिश किया गया था, ठीक है, रिलीज़ किया गया था। तो पहला जो फेज़ है वो 8 जून से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो 8 जून से पहला फेज़ शुरू हो रहा है और उसका सेकेंड फेज़ जो है वो 2 हफ्ते बाद आएगा। यानी कि अगर हम लोग मान के चले तो सेकेंड फेज़ जो है वो जुलाई में, आप मान के सकते हैं कि जुलाई में आ सकता है। तो जुलाई में जो है आपका स्कूल कॉलेजेस एजुकेशनल ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे ओपन होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जुलाई में मान के चलिए कि फेज़ टू आने के बाद ये सब खोला जा रहा है देश में, हालांकि इस पर भी लिखा गया है कि ओपन आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट एंड यूटीज़, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट से फिर से विचार किया जाएगा इस बारे में कि फेज़ टू में इसको खोला जाए या नहीं, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि जुलाई में भी अगर ये ओपन हो रहा है तो जुलाई के एंड तक जो है वो आपका जो एग्ज़ाम है आईआईटी आईएसएम धनबाद का वो कंडक्ट करवाया जा सकता है, या फिर मे बी हो सकता है कि जुलाई के बाद अगस्त में भी करवाया जा सकता है। तो इसी के चांसेस ज़्यादा हैं कि अगस्त में जो है आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम है नहीं, और हम लोग उसके लिए आपको मॉडल पेपर पहले ही एक दे चुके हैं। उसके बाद भी बहुत सारे चांसेस थे मॉडल पेपर, मतलब हम लोग चाहते थे कि मॉडल पेपर लेके आएँ, लेकिन कुछ रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मिला नहीं है। तो अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होता वो तो हम लोग ज़रूर लाएँगे अगला मॉडल पेपर, ठीक है। और यही अपडेट थी गाइस जो कि आप लोगों से शेयर करनी थी। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ जो भी इसके लिए अप्लाई किए हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।